सांसद हूँ इसलिए दलित। राजस्थान के भरतपुर से भाजपा सांसद रंजीता कोली ने आरोप लगाया है कि दलित होने की वजह से जिला प्रशासन उनकी आवाज दबा रहा है। जिला कलेक्टर आलोक रंजन की शिकायत करते हुए रंजीता कोली ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राजस्थान की मुख्य सचिव उषा शर्मा को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में भाजपा सांसद ने आरोप लगाया है कि दलित होने के कारण भरतपुर में उनके संसदीय अधिकारों का हनन किया जा रहा है। यूआईटी के चेयरमैन और जिला कलेक्टर उनके पत्र का जवाब तक नहीं देते। कि मैंने खुद कॉल करा तब इन्होंने बताया और वो मेरी बात सुनने को राजी नहीं थे। वो मंत्री और कलेक्टर और इनके साथ भागे जा रहे, क्यों मुझे अवॉइड क्यों किया जा रहा है? क्योंकि मैं दलित सांसद हूँ इसलिए। दरअसल 20 मई 2022 को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भरतपुर के मुखर्जी नगर में निर्मित मकानों का लोकार्पण कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग और सांसद रंजीता कोली शामिल हुए। सांसद को यहां विशिष्ट अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था। रंजीता कोली का आरोप है कि उन्हें लोकार्पण कार्यक्रम की सूचना समय से पहले नहीं दी गई, जिसकी वजह से उनको आनन फानन में रात को ही जयपुर से भरतपुर पहुंचना पड़ा। इसी वजह से लोकार्पण कार्यक्रम के बाद सांसद रंजीता कोली और यूआईटी सचिव कमल राम मीना के बीच कहासुनी भी हो गई। क्यों? ये तो मैं मंत्री जी की डेट नहीं, आपको मुझे रात को बताना चाहिए, जबकि मैं जयपुर से प्रोग्राम छोड़ के आई हूँ। मैंने डेट तो पहले भी थी। नहीं, ऐसा नहीं है, आप राजनीति मत करिए। कांग्रेस बीजेपी इस तरीके का करना जरूरी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको एक मिनट, आप मुझे आप ऐसा नहीं, एक मिनट मैं आपसे बात कर रही हूँ कि आपने मुझे आनंद फानंद में क्यों बताया? मैं प्रोग्राम रखा, मंत्री जी ने टाइम दे दिया, तो फिर मुझसे पूछना जरूरी नहीं था मैम? तो मंत्री जी का आपको मुझे पूछना जरूरी था या नहीं? मैम, चीफ गेस्ट हमने उनको बनाया, उन्होंने टाइम दे दिया। आप ऐसे नहीं कर सकते। हाँ, नाम है मंत्री जी का टाइम, इसलिए मंत्री साहब का टाइम था तो मुझे ये बताइए कि मेरी आवश्यकता, इसका कोई जवाब थोड़ी है, ये कोई आना का जवाब होता है क्या? रिक्वेस्ट की हमने, मंत्री जी का प्रोग्राम है, आपने टाइम दे दिया। नाम लिखना था, लिख दिया नाम, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की स्थिति, माननीय सांसद को हमें रिक्वेस्ट करनी थी। हाँ। और चीफ गेस्ट ने हमें टाइम दे दिया, तो टाइम के मुताबिक आपको रिक्वेस्ट कर दिया था। एक मिनट मेरी बात सुनिए मैम, आप मुझे ये बताइए कि मेरा आना जरूरी था या नहीं? हमने आपको रिक्वेस्ट किया, आप पधारगी ना, अच्छा लगा। ये नहीं तो ऐसे आप फोन नहीं उठा रहे हो सुबह से? किसका? कल मेरे ऑफिस से जो फोन आ रहा है। मैं फोन पे बात करी। रंजीता कोली का आरोप है कि दलित महिला होने की वजह से जिला प्रशासन उनके साथ भेदभाव कर रहा है। भाजपा सांसद ने आरोप लगाया कि लोकार्पण के लिए उनकी तरफ से दिए गए समय को अनदेखा करके प्रशासन ने राजस्थान सरकार के मंत्री की ओर से मिले समय पर कार्यक्रम आयोजित किया, जिससे उनके संसदीय अधिकारों का हनन हुआ है। राजस्थान ब्यूरो, कोली टाइम्स।